हाय फ्रेंड, वेलकम टू नीलम कला सॉल्यूशन। फ्रेंड, मैं हूँ नीलम और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना मेकअप शेयर करने वाली हूँ। मैं किस तरह से मेकअप करूँगी और ये मेकअप फ्रेंड मैं पहली बार कर रही हूँ, पहली बार मैं अपने हाथों से अपना मेकअप करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग देखकर ज़रूर बताइएगा कि मेरा मेकअप आप लोगों को कैसा लगा। साथ में रक्षाबंधन का ये ब्लॉग है तो रक्षाबंधन भी शेयर करूँगी, हमारे यहाँ किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है, किस तरह से हमारे यहाँ रक्षाबंधन किया जाता है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसके साथ फ्रेंड मैं लास्ट में आपके साथ कुछ स्पेशल बातें करूँगी, तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आप लास्ट की मेरी जो बातें हैं उसे सुन पाएँ। इसलिए प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर साड़ी पहन ली है, ये नेट की साड़ी है और घर पर यहाँ पर रखी हुई, तो मैं इस टाइम मायके में हूँ, तो यहाँ पर ये साड़ी रखी हुई थी तो मैंने साड़ी पहन ली है। और मैं चूड़ियाँ लेकर नहीं आई थी, सिर्फ साड़ी थी तो इसलिए मैं चूड़ियाँ नहीं पहनूँगी, मैं यहाँ पर पहनूंगी कंगन, वो मैं लास्ट में दिखाऊंगी। तो मैंने साड़ी पहन ली, अब मैं सबसे पहले कॉम्बिंग करूंगी, कॉम्बिंग करके अपने बालों को सेट कर लूंगी, उसके बाद मैं इसमें कोई हेयर स्टाइल बना लूंगी। तो फ्रेंड मैं इस तरह से अपने बालों में हेयर स्टाइल बना रही हूँ और मुझे मेकअप वगैरह करना नहीं आता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर पहली बार मेकअप कर रही हूँ अपने हाथों से, इसलिए मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो कुछ इस तरह से मैं अपने बालों को बीच से पार्टीशन करके दोनों तरफ से हेयर स्टाइल बना लूँगी। उसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ अपना मेकअप। मैंने फेस को ऑलरेडी क्लीन कर रखा है और अब मैं मेकअप करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिया फाउंडेशन। ये फाउंडेशन जो है बहुत ही अच्छा है, मुझे ये फाउंडेशन लगाने में बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि ये बहुत अच्छे से मेरे फेस पर अच्छे से अप्लाई हो गया। और जो लिक्विड फाउंडेशन होता है उसे लगाने में मुझे बहुत दिक्कत होती है, मुझे बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है कि फाउंडेशन वगैरह कैसे लगाना चाहिए, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। तो मुझे ये फाउंडेशन काफ़ी अच्छा लगा, इसे अप्लाई करने में काफ़ी अच्छा लगा मुझे, तो मैंने अपने पूरे फेस पर फाउंडेशन लगा लिया है। और आप इसको अपने फेस पर अच्छे से बराबर से लगा लूँगी। मैं इसे अपने हाथ पर, अपने फेस और नेक पर अपने हाथों के फिंगर के हेल्प से इसे ब्लेंड कर लूँगी। सो गाइस, मैंने फाउंडेशन लगा लिया है और फेस पर भी लगा लिया है, नेक पर भी लगा लिया है थोड़ा सा, और अब मैं यहाँ पर कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से इसे अच्छे से सेट कर लूँगी ताकि हमारा जो फाउंडेशन है अच्छे से ब्लेंड हो जाए और मेरे को लुक है थोड़ा अच्छा है। मेरे यहाँ तो फ्रेंड मेरे पास मेकअप की बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं है क्योंकि मैं मेकअप करती नहीं हूँ, इसलिए मेरे पास मेकअप ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन के तौर पर मैं दूसरी चीज़ें भी यूज़ करूँगी। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए कि कोई चीज़ ना होने पर हम किस तरह से अपना पूरा मेकअप कर सकते हैं। मैंने लूज पाउडर को भी अपने फेस पर अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और मैं कॉम्ब कर रही हूँ, ब्रश कर रही हूँ अपने आईब्रोज का ताकि मेरे ब्रोज थोड़े अच्छे लगें। मेरे आईब्रोज की जो शेप्स हैं वो थोड़ी कम्प्लीट हैं तो मैंने कॉम्ब कर लिया है। अब मैं ब्राउन कलर का आईब्रो पेंसिल का यूज़ यहाँ पर कर रही हूँ, ब्लैक आईब्रो पेंसिल का यूज़ नहीं कर रही हूँ। ब्राउन कलर का जो आईब्रो पेंसिल होता है काफ़ी अच्छा होता है, हर स्किन पर अच्छा लगता है, और जो ब्लैक कलर का होता है वो थोड़ा सा कभी कभी लगने में गड़बड़ हो जाता है तो बहुत ही डिफरेंट लुक देने लगता है जो कि अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं ब्राउन कलर का यहाँ पर आईब्रो पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। इससे हम आईब्रोज को अच्छे से फिल कर लेंगे और उसके बाद मैं फिर से ब्रश की हेल्प से अपने आईब्रोज को सेट कर लूँगी।
सो गाइज मेरी आईब्रोज भी सेट हो गई है, अब मैं यहाँ पर ब्लश लगा रही हूँ अपने गालों पर। मुझे बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है ब्लश वगैरह लगाने का, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। तो कैसा लगता है मुझे खुद नहीं पता, देखते हैं लगाने के बाद कैसा लगता है। तो मैं यहाँ पर ब्लश लगा रही हूँ और ये मेरा क्यूट सा बेटा बगल में मस्ती कर रहा है, वो क्राउन लगा रहा है बार 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 उतार रहा है फिर लगा रहा है। तो चीक के दोनों साइड में मैंने ब्लश लगा लिया है, इसके बाद मैं लगाऊंगी आई शैडो। आई शैडो का पहले मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर लिपस्टिक का यूज़ करूँगी, पिंक कलर का लिपस्टिक है, इसे मैं आई शैडो के जगह पर इस्तेमाल करूँगी। कई बार हमारे पास मेकअप प्रोडक्ट नहीं होता, खासकर जो मेकअप हमेशा नहीं करते वो लोग ऐसी चीज़ें नहीं रखते हैं, मैं भी नहीं रखती हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिपस्टिक का यूज़ कर रही हूँ। इसी तरह से मैं दोनों आँखों के ऊपर लिपस्टिक को आई शैडो की जगह पर लगा लूँगी। तो फ्रेंड अब मैं लगा हूँ मस्कारा। और इसके बाद मैं लगाऊंगी लाइनर, मुझे विंग आईलाइनर बहुत पसंद है, इसलिए मैं विंग टाइप में लगाऊंगी। मैं बहुत धीरे धीरे लगा रही हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है ये सब लगाने का। तो मैंने लाइनर भी लगा लिया है और अब मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ, पिंक कलर का लिपस्टिक जो कि मैंने आई शैडो के लिए भी यूज़ किया था। लिपस्टिक मैंने लगा लिया है और मैं दिल लगाऊंगी। मैं अपने ड्रेस के मैच का जो बिंदी है वो मैंने लगा लिया है। अब मैं पहन रही हूँ गोल्ड झुमका जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो फ्रेंड ये है मेरा फाइनली मेकअप, आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा पहली बार किया हुआ ये मेकअप आप लोगों को कैसा लगा, सही है या इसमें कुछ मिस्टेक है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब मैं बैंगल्स पहन रही हूँ क्योंकि मैंने चूड़ियाँ नहीं रखी हैं अपने पास। फिर अब मैं तैयार हो गई हूँ और ये मेरे बच्चे हैं, एक काली टी शर्ट वाला मेरा बेटा है और येलो और पर्पल कलर के कपड़े वाले मेरी बेटियां हैं। तो अब दोनों रक्षाबंधन के लिए तैयार हो गए हैं। तो मैंने फ्रेंड जैसा कि आप जानते हो लॉकडाउन है, लॉकडाउन में बाहर से चीज़ें लेने में थोड़ा डर लग रहा है, तो इसलिए मैंने मिठाइयाँ मार्केट से नहीं मंगवाई, मैंने घर में ही मिल्क पेड़ा और बेसन की बर्फ़ी बना ली थी। और दो राखियाँ हमने रखी हैं, दो बेटियाँ हैं इसलिए दो राखियाँ मैंने रखी हैं। थोड़ा सा चावल रखा है थाली में और थोड़ा सा मैंने रोली रखी है। फ्रेंड हमारे यहाँ दीपक नहीं जलाया जाता है तो हम दीपक नहीं जलाएंगे। तो अब मेरी बड़ी बेटी राखी बांध रही है अपने भाई को।
और ये मेरी छोटी बेटी बांध रही है और मेरा बेटा थोड़ा सा नखरे दिखा रहा है, थोड़ा शरारती है और मेरी छोटी बेटी राखी बांध रही है। सो गाइस प्लीज़ मेरे फैमिली फंडा सॉल्यूशन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें हमें। फ्रेंड मैं यहाँ पर हेल्थ और ब्यूटी और हेयर केयर के लिए टिप्स शेयर करती हूँ। तो आप लोगों को मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपके मन में जो भी सवाल है वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही आपको जो भी वीडियो चाहिए हेल्थ ब्यूटी से रिलेटेड और हेयर केयर से रिलेटेड प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताया करें, हम उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे। हमें आपकी कमेंट का इंतजार रहता है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करें। और प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती है या नहीं, क्योंकि मेरी वीडियोस पे बहुत कम व्यूज आते हैं। 29 के मेरे सब्सक्राइबर हैं और उन सभी सब्सक्राइबर को मेरा बहुत सारा थैंक्स जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है, लेकिन उन्हें मेरी वीडियोस नहीं मिल पाती हैं, मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है, जिस वजह से वे वीडियो नहीं देख पाते, या उन्हें मेरी वीडियोस अच्छी नहीं लगती इस वजह से मेरी वीडियो नहीं देखते। प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आप बताएंगे तभी मुझे पता चलेगा कि मेरी वीडियोज में क्या कमियाँ हैं। तो फ्रेंड मेकअप हो गया, रक्षाबंधन हो गया, फैमिली के साथ थोड़ी सी मस्ती भी हो गई, और मेरी बड़ी बेटी को तैयार किया था मेरी बहन ने। मेरी बहन का नाम है प्रिया, जिनका यूट्यूब पर चैनल है, उनके चैनल का नाम है डार्जिलिंग प्रिया स्टाइल्स, और इनको मेकअप वगैरह बहुत पसंद है। और अगर आप मेकअप और स्टाइल से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इनके चैनल पर जाकर इनकी वीडियोज़ को देखें, और इनके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। डार्जिलिंग प्रिया स्टाइल्स नाम से इनका चैनल है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इनके चैनल पर जाके इनकी वीडियोस को देख सकते हो। तो फ्रेंड आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बहुत बड़ा होता है, बहुत हेल्पफुल होता है, आप जिसको चाहें उसे फर्श से अर्थ पे पहुँचा सकते हो। तो प्लीज़ आप मेरे फैमिली फंडा सॉल्यूशन चैनल को भी सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, और डार्जिलिंग प्रिया स्टाइल्स चैनल को भी सब्सक्राइब करो। डार्जिलिंग प्रिया स्टाइल्स चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें।